कारा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, मुट्ठी बंद की हुई अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी, गो की मुलाकात हो चुकी है नून लीग से। क्या विफाक में आप मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने के लिए सोच रहे हैं, संजीदगी से सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए और रास्ते खुले रहने चाहिए। ये जो माजी ये है, इसको खत्म होना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में फिर एक रिकंसिलिएशन की जरूरत है। अगर हम उसी हठधर्मी में वापस जाना चाहेंगे और उन्हीं रवैयों का जिसके डिस्कशन भी हो रही है, उन्हीं रवैयों की तरफ हम हठधर्मी पे जाना चाहेंगे, तो क्या ये पाकिस्तान की खिदमत होगी? क्या इससे सर्व कर सकेंगे, मसाइल का हल निकाल पाएंगे? रही बात कि किसके साथ हमारा कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट तो कोलिशन बननी है, किसके साथ बनेगी? अभी इसका फैसला मेरी जमात ने, कल हमारी सीईसी की मीटिंग रखी गई है, उसमें बैठ कर डिस्कशन होगी, तो फिर इस पर बात कर सकूंगा। सर, वैसे कुछ आप बता सकते हैं कि आप लोगों के जहन में क्या खाका है, क्या डिमांड्स हो सकती हैं, या क्या वो शरायत होंगी जिसके ऊपर आप साथ कोलिशन में शामिल होंगे? आपने मुझसे क्या सवाल किया? इसका जवाब मैं क्या आपको दे सकता हूँ? अच्छा, ये बताइए, कुछ बात तो हुई होगी ना इस सिलसिले में, पॉसिबिलिटीज के ऊपर तो सियासतदान पहले ही बात करते होते हैं। लोग मिल रहे हैं, सामने भी मिले हैं, बाकी जमातें भी मिल रही हैं, लेकिन ये जो डिस्कशंस होती है, ये टेलीविजन पे बैठ के मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि अच्छा। क्या खैरा साहब, ये बताएं कि जो आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो साहब का नैरेटिव था, वो जाहिर है उसका स्टांस ज़्यादातर PMLN के अगेंस्ट था। चीफ को डायरेक्टली बहुत जगह अक्यूज़ भी किया, और फिर आखिर में उन्होंने ये भी कहा अपने इंटरव्यूज में कि बहुत मुश्किल है कि शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के साथ हम आगे चल सकें। ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद अगर ये चीज़ें इसमें लचक दिखाई जाती है और वापस आप इत्तेहादी बनते हैं, तो मैं किस नैरेटिव को दुरुस्त मानूं, कल के नैरेटिव को या आज के नैरेटिव को? अब्बास साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि बिलावल साहब ने अपने पूरी कैंपेन के अंदर ये बात कही, ये जो आप फरमा रहे हैं इसकी भी गुफ्तगू की, लेकिन साथ उन्होंने इसकी वजाहत भी की कि मैं उस पुरानी सोच के खिलाफ बातें कर रहा हूँ, अफराद के खिलाफ नहीं कर रहा। उनकी पॉलिसीज के ऊपर एतराज करते रहे। हम इत्तेहादी थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हम उन फैसलों में शामिल थे, बिल्कुल कोई शक नहीं है, और उसके ऊपर हम मोतरिस थे। हम अपने पार्टी के अंदर या हम अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ कर उस पर बात करते रहे, लेकिन ये भी तो जमहूरी तारीख है। दुनिया भर में जहां पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, वहां जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, इतराज फाइल करती हैं, उनकी पॉलिसीज को उधेड़ के रखती हैं, वो हमारे हम उनके। यही काम दुनिया में, बरतानिया में होता है, यही काम जापान में होता है, यही इंडिया में होता है। अब ये कहना कि आपने इलेक्शन के अंदर ये बात कही थी, इसलिए अब आप अगर ये करते हैं तो ये तो जी आपकी पॉलिसी के खिलाफ, लिहाजा ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर ये पीपल्स पार्टी नहीं करती, आप जरा ये सिनेरियो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी करेगी, क्या करेगी ये फैसला होगा। अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला नहीं करती जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो उसके दूसरा नतीजा ये है कि PTI के साथ भी नहीं होता, तो क्या PTI मुस्लिम लीग इकट्ठे होंगे? नहीं, तो फिर जो क्योस क्रिएट होगा वो क्या करेगा? विल दैट सर्व द नेशन? क्या ये कौमी खिदमत हो जाएगी? नहीं तो अच्छा, अपोजिशन में बैठे, अपोजिशन में बैठे, बैठ गए हम अपोजिशन, गवर्नमेंट कंफर्म करेगा, करने दें उनको, ये आपका मतलब थोड़ी, आपने पॉलिटिक्स कर दिया। कह रहा था मतलब बात साहब, ये आपका शायद ना हो, आप शायद ना हो, मैं सियासी जमात हूँ, मेरा मसला है, मसला मैं अपोजिशन में भी बैठूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कोई गवर्नमेंट बने, मैं चाहूंगा कि कोई डेडलॉक ना आ जाए। ठीक है, ये तो नहीं है ना, आप एनालिस्ट आप कह सकते हैं कि नाम आप छोड़िए जिसका मसला हल करें। अच्छा, मैं नहीं कह सकता। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा, क्या आप लोग ये भी या जेरे गौर है ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट है, उनसे भी बात की जाए या फिर उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में? ये वो बाकायदा वोट लेके आए हैं, बड़ी तादाद में वोट लेके आए हैं, और उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें उनके अपनी गलतियां भी हैं, ज्यादतियां भी हुई हैं। ये तो एक बहुत सीरियस बहस है और इससे मुल्क की सियासत के ऊपर सख्त किस्म के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि मैं अभी कुछ बातें नहीं कर पा सकता, क्योंकि अच्छा। कुछ बातें वो हैं जो हमने अपनी पार्टी मीटिंग्स में करनी है, उसके बाद इसमें बातें करेंगे। ठीक है।